नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। आप सभी से सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी इस न्यूज को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसानों की होने वाली महापंचायत में जाने के लिए किसानों ने उचाना से जींद तक पैदल मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली की ओर चले किसान। हरियाणा प्रदेश के सभी जगहों से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल 14 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली महापंचायत को लेकर किसान रवाना होने शुरू हो गए हैं। किसानों ने कहा कि हम उचाना से पैदल जाएंगे और जींद से ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली जाएंगे। किसान सरकार को ताकत दिखाने का काम करेंगे। जींद से हमारे संवाददाता प्रदीप सोकंद ने आजाद पालवा सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा सीला छात्र जिला अध्यक्ष जींद संयुक्त किसान मोर्चा व सुनील कुंडू प्रधान नरवाना हल्का प्रधान घासीराम यूनियन से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर महापंचायत है। इस महापंचायत में किसान मजदूर ट्रेड यूनियन और कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारी सभी भाग लेने का काम करेंगे। लाखों की संख्या में हम दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और आज हमने उचाना पक्का मोर्चा से पैदल मार्च मेन जो मांग है वो एमएसपी की है कि सीटू प्लस 50% स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी उसके अनुसार संविधान में फसल खरीद गारंटी का कानून बने, किसान की पूर्ण कर्ज माफी हो, बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 है जो उसकी वापसी हो, भूमि अधिग्रहण बिल है वो भी वापस हो, लखीमपुर खीरी के जो हमारे शहीद हैं उनको न्याय मिले, बुढ़ापा पेंशन जो 10,000 रुपये प्रति माह हो, अन्य सभी मांगों को लेकर के 14 अगस्त 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर किसान और मजदूरों का एक बहुत बड़ा कट होगा, जिसके अंदर किसान देश का किसान और मजदूर सरकार को चेतावनी देने का काम करेगा कि या तो समय रहते किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो ये किसान और मजदूर चलता करने का काम सरकार को करेगा। अपना नाम और एड्रेस। सुनील कुंडू, पलका प्रधान, नरवाना भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन। महिलाओं भैया सेकंदा मिला के खड़े हाँ, और आज हम पैदल यात्रा करे हाँ अपने जींद पहुँचाएंगे, और जींद रुक कर जो हमसे कल सुबह रेल में रवाना होंगे दिल्ली के लिए। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्यों जाना चाह रहे हैं दिल्ली आप? मांगे तो जी हमारी एमएसपी की अधूरी लड़ाई है वो लेनी चाहिए हमने, और दो हमारे लखीमपुरखीरी में भाई मारे गए थे शहीद हुए थे उनका भी हमने न्याय चाहिए, आज तक उनको कोई सजा नहीं मिल रही है, और जो हमारे जितने भी मांग है ले हैं भाई उनको सारियाँ मिलनी चाहिए। कहाँ से किसान आ रहे हैं? किसान तो सारा देश से आ रहे हैं जी। क्या लग रहा है कल का जो आपका कार्यक्रम में सफल हो पाएगा? हाँ सफल होगा जी, 100% सफल होगा जी हमारा। क्या आपका नाम? मेरा नाम शीला छत्र है जी, जिला अध्यक्ष जींद और संयुक्त किसान मजदूर एकता मंच पहुंचने का काम करेंगे और रैली में शामिल होने का काम करेंगे और किसान मजदूर की एकता को दर्शाने का काम करेंगे। किसके आह्वान पर ये काम? ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये रैली रखी गई है और इसमें लाखों की भीड़ दिल्ली पहुंचने का काम करेगी। कहां कहां से पैदल चले हुए किसान ऐसे? देखो इस प्रकार से जब थे जैसे पक्का मोर्चा उचियाना से हमारा चलिया, हिसार से चलिया, यहाँ कैथल से चलिया, मैं कहूँ पूरे देश के अलग अलग जगह से पूरे देश से ये जत्था निकलने का काम करेगा, और कल हमारा प्रोग्राम 11 बजे दिल्ली पहुंचने का है और हम दिल्ली पहुंचकर अपनी एकता को दिखाने का काम करें, और इस सरकार को हम स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देंगे या तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए नहीं इस कुर्सी को खाली किया जाए। सर किसान आंदोलन चला हुआ है लगातार, तो ऐसे में किसान आंदोलन के माध्यम से कह सकते हैं कोई भी किसान संगठन एक नहीं हो पा रहे, इस बार क्या कुछ कहेंगे? सभी किसान संगठन एक है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, और संयुक्त किसान मोर्चा देश के हजारों संगठन से बना हुआ संयुक्त किसान मोर्चा, इस संयुक्त किसान मोर्चा के नीचे ट्रेड यूनियनों का भी समर्थन है, मजदूर संगठनों का भी समर्थन है, और कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारियों का भी समर्थन है। ये देश की सबसे बड़ी रैली महारैली हम करके दिखाएंगे। तो सर जो दिल्ली जा रहे हैं मांगे क्या है, किन मांगे? हमारी मांगे है कि एमएसपी की हमारी जो अधूरी लड़ाई रह गई थी, एमएसपी की फसल खरीद का कानून बनाए, स्वामीनाथन आयोग की C2+50, और जो किसानों के और मजदूरों के कर्जे माफ किए जाए, बिजली बिल पराली बिल को निरस्त किया जाए,
और जो लखीमपुर खीरी के मुख्य दोषी थे उनको गिरफ्तार किया जाए, वर्धा पेंशन 10,000 रुपए की जाए। इस प्रकार की हमारी मांगे है और सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे देंगे कि या तो कुर्सी खाली करो नहीं तो हमारी मांगों को पूरा करो। नाम आजाद पालुआ सदस्य शुभ क्या मोर्चा हरियाणा पैदल चलते हुए जींद तक पहुंचेंगे और कल को जो पंचायत है उसमें पहुंचेंगे। तो सरकार ने जो 13.5 महीने किसानों ने धरना दिया था तो उसमें जो मांगे थी किसानों की तरफ से उस पर वादा खिलाफी की है सरकार ने और अभी ओलावृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान है किसानों का। अभी तक कोई सर्वे नहीं है, गिरदौरी नहीं है और उसके बावजूद जो खिलाड़ी है हमारे देश के उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। कल क्या कार्यक्रम सफल हो पाएगा? हाँ सफल होगा, हजारों हजार मजदूर जाएंगे, काफी ट्रेड यूनियनें जाएंगी किसान मोर्चा के नेतृत्व में। आपका नाम और डेफिनेशन? मेरा सुरेश कुमार है।